नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर छेत्री और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मर्ची नेवी ऑफिसर। आज का ये जो वीडियो मैं बनाने का कारण यही है कि बहुत सारे भाई जो अभी डीएनएस या बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन हो चुका है, कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, तो उन लोगों को शायद ये नॉलेज नहीं होगा कि किस टाइप के वेसल में सेल करने से कितना सी टाइम काउंट होता है एमएमडी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप लोगों को किस टाइप के वेसल में सेल करना पड़ेगा और कितना सी टाइम उस वेसल का काउंट होगा आपके एमएमडी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है 3000 से ऊपर का जीआरटी या 500 से ऊपर का जीआरटी वेसल होती है जो 500 नॉटिकल माइल से ऊपर सेल करती है, ट्रेड करती है, ठीक है, और इसमें कार्गो लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों ही होती है। और नॉन ट्रेडिंग का मतलब है जो 500 नॉटिकल माइल से ऊपर ट्रेड नहीं करती है और इसमें कोई भी लोडिंग डिस्चार्जिंग बल्क कैरियर जैसे बल्क वगैरह कुछ भी लोड कार्गो लोड नहीं होती है। ये बेसिकली ऑफशोर फ्लीट होते हैं, मतलब सबसी ऑपरेशन में जो इंगेज रहते हैं बहुत सारे जहाज, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग वेसल्स। ट्रेडिंग वेसल्स में जो आते हैं वो है आपकी बल्क कैरियर, टैंकर्स, गैस कैरियर, कंटेनर्स, जनरल कार्गो, ये सारे जो है ट्रेडिंग वेसल्स होती है जिसकी जीआरटी सब 3000 से ऊपर होती है। ऑफशोर फ्लीट का जैसे हो गया आपका एएसटीएस वेसल, एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई हो गया, रिसर्च वेसल हो गया, सर्वे वेसल हो गया, टग वेसल हो गया, तो ये सब जो है आपकी नॉन ट्रेडिंग वेसल्स है। तो इसकी जो सी टाइम को जो काउंट होता है एमएमडी है वो थोड़ा अलग, जैसे मतलब उसमें से डिरेक्शन होकर सी टाइम काउंट होती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करें कि डीएनएस जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनको कितनी सी टाइम चाहिए और किस वेसल में सी टाइम चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है ट्रेडिंग वेसल में अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो पूरा जो सी टाइम है 18 मंथ्स वो ट्रेडिंग में अपने जो ट्रेडिंग वेसल में कंप्लीट किया, तो आपकी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मतलब आपके यहाँ पे कोई लिमिटेशन सीओसी में नहीं आती है। अगर आपने आधा जो अपना सी टाइम जो है ट्रेडिंग वेसल में किया और आधा जो है नॉन ट्रेडिंग वेसल में किया, तो यहाँ पे आपकी सीओसी में जो है अगर आप जो सी टाइम पूरा कंप्लीट नहीं करते तो आपकी सीओसी में जो है लिमिटेशन आ सकती है। लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपको जो है जीआरटी के ऊपर में लिमिटेशन डालेगी कि आप जो 3000 के जीआरटी के ऊपर में जो वेसल है वो आप सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिलो 3000 जीआरटी जो आप उसमें सेल कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को जो 18 मंथ्स का जो सी टाइम है उसमें से जो 9 मंथ्स है वो हम लोग को ट्रेडिंग वेसल में होना ही चाहिए, ठीक है, और बाकी जो ऑफशोर में अगर नॉन ट्रेडिंग वेसल में आप कर रहे हो, अगर आपने 9 महीना ट्रेडिंग वेसल में निकाल दिया और फिर उसके बाद ऑफशोर में गया, नॉन ट्रेडिंग वेसल में गया, तो उसकी जो पहली जो 6 महीना की जो आपकी सेलिंग एक्सपीरियंस होगी उसकी जो है 2/3 काउंट होगी, मतलब 6 महीना अगर आप करते हो तो उसकी काउंट होगी 4 महीना। तो आपकी सी टाइम अभी कितना हो गया, 9 महीना और आपकी 4 महीना 13 महीना हो गया, बाकी बच गया आपका 5 महीना। तो ये 5 महीने आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ऑफशोर में 10 महीना का सेलिंग करना पड़ेगा, तब जाके आपका सी टाइम जो है 5 महीना और काउंट होगी। मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि नहीं, ये मुझे पता नहीं। पहला 9 महीने ट्रेडिंग वेसल्स, फिर पहला जो ऑफशोर फ्लीट नॉन ट्रेडिंग वेसल करेंगे आप, 6 महीना का जो सी टाइम होगा आपका उसका 2/3 काउंट होगा, ठीक है, भले आप 9 महीना करें उस ऑफशोर में, बट आपका पहला 6 मंथ ही काउंट होगा, 6 मंथ को अगर लोग 2/3 लेंगे तो उसका होगा 4 मंथ। तो आपका अभी तक कंप्लीट कितना हो गया, 9+4 मतलब 13 महीने कंप्लीट हो गया, ठीक है, और बाकी आपका बच गया फिर 5 महीना। 5 महीने में समझ लीजिए ये जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 9 महीना का इसमें ऑफशोर में नॉन ट्रेडिंग में, तो आपका 6 महीने ही वहाँ पे लिया, बाकी बच गया आपके पास में 3 महीना, तो और आपको 7 महीना सेल करना पड़ेगा, तो फिर ये आपका 10 महीना होगा। इस 10 महीने को लोग हाफ काउंट करेगा, मतलब 5 महीना, तब जाके आप पूरा कंप्लीट करोगे 9 महीना 4 महीना और 5 महीना, तो आपकी होगी 18 महीना, तब आपकी जो एग्जाम दोगी और सीओसी मिलेगा आपको, अनलिमिटेड सीओसी मिलेगा। और अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आपको जो है सीओसी मिलेगा, लेकिन वो है लिमिटेशन मिल जाएगा आपको सीओसी में। अगर आप 9 महीना जो ट्रेडिंग वेसल में नहीं करते हो और खाली ऑफशोर में कर रहे हो और ऑफशोर के बाद में जब जाके आप एग्जाम दोगे तो आपको जो है ये सीओसी में लिमिटेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब इस लिमिटेशन अगर आपको मिल गया, मतलब आपको जब आपने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस लिमिटेशन का हटाने का क्या तरीका है, इस लिमिटेशन का हटाने का यही तरीका है कि आपको जब सीओसी लेने के बाद में
आप जो 3000 जीआरटी के ऊपर जहाज में जो है सेल कर सकेंगे उसमें, ठीक है। वो वेसल में आपको सेल करना पड़ेगा जो वेसल 500 नॉटिकल माइल से दूर जाती हो, ट्रेडिंग वेसल्स, ठीक है। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया लिमिटेशन सीओसी मिलने के बाद, तो फिर आपको वहाँ पे चाहिए 6 महीना। 6 महीना जब आप कंप्लीट कर लोगे वहाँ पे, फिर आप आके क्या कर सकते हो, अपना लिमिटेशन हटवा सकते हो। एमएमडी में असेसमेंट करने के बाद फिर आप जो लिमिटेशन का वो हटवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया डीएनएस के क्राइटेरिया में बताया हूँ। अभी बता रहा हूँ मैं बीएससी की, बीएससी की क्या क्राइटेरिया है। देखिए इसमें 12 महीने आपको सी टाइम चाहिए 3 साल कोर्स करने के बाद में, तो 12 महीना सी टाइम में 6 महीना जो है आपकी ट्रेडिंग वेसल में होना चाहिए, और बाकी के जो 6 महीना है वो नॉन ट्रेडिंग भी चलेगा आपको। तो बाकी के जो 6 महीना आप है वो अगर आप 6 महीना नॉन ट्रेडिंग में करते हो तो उसकी फिर 2/3 काउंट होगी, मतलब अपने 6 महीना किया तो उसकी फिर 2/3 काउंट होगी, तो 4 महीना, तो 6 और 4 10 महीना हो गया आपको, फिर और 2 महीना बचेगा आपको। वो 2 महीना अगर आपने ट्रेडिंग में कर लिया तो ओके, अगर ट्रेडिंग में नहीं किया आप फिर आप नॉन ट्रेडिंग में गए तो वहाँ पे 2 महीना के लिए आपको 4 महीना फिर सी टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आपका उसको हाफ काउंट होगा। तो फिर आप जाके 6 महीना प्लस 4 महीना प्लस 2 महीना 12 महीना कंप्लीट करोगे। 12 महीने कंप्लीट करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद आप रिटर्न ओरल दोगे, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सीओसी मिलेगी। फिर अगर आपने ये 6 महीना जो है ट्रेडिंग में नहीं कंप्लीट किया, फिर आपकी जो सीओसी में फिर लिमिटेशन आ जाएगी। तो लिमिटेशन का आने का यही होगा आपको होगा, फिर वो लिमिटेशन हटाने के लिए जैसे मैंने अपने पहले बताया डीएनएस में जैसे कर सकते हैं, वैसे ही आपको डीएनएस में भी बीएससी में भी सीओसी में हटाने के लिमिटेशन सेम है। 6 महीना कोई भी ट्रेडिंग वेसल में 3000 जीआरटी के ऊपर से जो वेसल है उसमें आप ट्रेड करिए, 500 नॉटिकल माइल से ऊपर उसका ट्रेडिंग एरिया होना चाहिए। ये करने के बाद अब 6 महीने का लेने के बाद अब व्हाट्सएप करने का एमएलडी में असेसमेंट कीजिए, फिर आपकी जो है लिमिटेशन वो रिमूव हो जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को सबको बता दिया डीएनएस और बीएससी की। अभी हम बात करते हैं फिर, चलिए मैं अभी इस वीडियो में नहीं कंप्लीट करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा कि जीपी रेटिंग के जो है जीपी रेटिंग का जो एग्जाम का है उन लोगों का सी टाइम कैसे काउंट होगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो बना रहा हूँ उसमें मैं ये भी बना रहा हूँ आप लोगों को कि जहाज में जो इमरजेंसी वगैरह जो होती है डीएनएस की, मतलब डीएनएस जीपी रेटिंग के या बीएससी के जो बच्चे अभी मर्चेंट नेवी या कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद उन लोगों को जहाज की इमरजेंसी और जहाज में क्या क्या रिस्क होती है, ये किस टाइप की होती है, ये शायद नहीं बात पता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं यही बताऊंगा कि जहाज से रिलेटेड रिस्क क्या है और क्या क्या हम लोग को इमरजेंसी जहाज में हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ डाउट लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मैंने एक एमएमडी की जो सर्कुलर है उसका पीडीएफ फाइल मैंने डाला हुआ है। उस पीडीएफ फाइल में भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।